आज देश में देश को लूटा जा रहा है, देश को खसोटा जा रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान के नाम पर। मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। ये मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। अब की बार मोदी सरकार। नमो। श्रीलंका में ईसाइयों को कोई खतरा नहीं था, कल तक जो है जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो खतरा पता चला। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो तब खतरा पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में। आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हैं क्योंकि चुनावी माहौल गर्म है, तो हम लोगों से जानेंगे उनकी राय कि वो इस बार किसको वोट देंगे और कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बने? मुझे लगता है कि NDA की सरकार बननी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों में जो तरह से एक डिसिसिव गवर्नमेंट रही है, ये आप कह सकते हैं, और आज की डेट में अगर देखें तो मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव अभी अच्छा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये सही भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल आप अगर देखें महागठबंधन हो गया तो कोई एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर मोदी जी को ही इस बार जीतना चाहिए। अच्छा, और आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से भी NDA की सरकार आएगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो गवर्नेंस है वो सेंट्रलाइज है इन मोदी गवर्नमेंट। UPA में मतलब आप कह नहीं सकते कि हाँ ये प्राइमा फेसी कौन होगा, कभी भी कोई भी आ रहा है, सब कोई अपना अपना जो है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार। अच्छा, और आपको क्या लगता है? भाजपा। भाजपा किस पे? जो जिस तरह से नौकरियां मिल रही हैं और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मोदी जी ने जो भी ग्लोबली काम किया उसका सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है? बिल्कुल 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 पड़ा है। नए IIMs खुले हैं, नए IITs खुले हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, बाहर से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो इफेक्ट तो दिख रहा है उसका ग्लोबली। आपको भी इवन we all three are from IIM अमृतसर, सो हम लोग को बेनिफिट मिला है, मतलब हम लोग एक अच्छी डिग्री पे, और हम लोग मेरा कॉलेज प्लेसमेंट जो था वो दुबई में हुआ था, तो फॉर मी इट वाज वेरी बेनिफिशियल। और आपके लिए? और टैक्सेशन सिंप्लीफाई हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो काफ़ी सारे अच्छे डिसीजंस और डिसीजंस लिए गए हैं, बोल्ड डिसीजंस लिए गए हैं, तो वो एक पॉजिटिव होप है कि आगे जाके कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, एक लास्ट स्टेटमेंट, नमो या रागा? नमो। नमो, ऑब्वियसली नमो। कि तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? BJP की बनेगी। और किसकी बनेगी? किस लिए? क्योंकि मोदी ने काम किया इसलिए और किस लिए। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता देश को लूटा है, हमारे देश को लूटा है, इन्होंने काम ही कुछ नहीं किया, इनकी अपनी बिल्डिंग है, राहुल की तो यहाँ 50 बिल्डिंगें होंगी। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी है जो PM बनेंगे और उन्होंने नहीं? भाई बहन का कुछ किया ही नहीं, उसके बहन आज भी फूल बेच रही है, नरेंद्र मोदी की बहन आज भी यहाँ फूल बेच रही है, चाय बेच रही है, और इनके बहन भाई सब साले करोड़ों अरबों कमा के बैठे हुए हैं। अच्छा, और ये जो नारा है मर रही है, ये जो नारा है चौकीदार चोर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चौकीदार चोर नहीं है, ये खुद चोर हैं, इनको पता ही नहीं कौन चोर है, खुद चोर हैं, ये पूरे कांग्रेसी चोर हैं, हमारी देश में पूरी कांग्रेस सरकार चोर है। अच्छा, और जो ये अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ये मोदी सरकार ने की थी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या कहना है, बिल्कुल ठीक किया है इन्होंने, कम से कम किसी ने बदला तो लिया, नहीं तो हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे थे, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। अच्छा, तो आप एंड में? हम तो चाहते हैं कि हमारी मोदी सरकार आए आने वाले 10 वर्षों में, 5 नहीं 10 वर्षों में, ताकि हमारे देश की प्रोग्रेस होगी। आज हम बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ कंट्री में, पहले हमारे कोई पहचानता नहीं था इंडियंस को, ठीक है, जर्मनी जाता हूँ, जापान जाता हूँ, चाइना जाता हूँ, नोबडी कैन पॉइंट आउट कि इज़ अ इंडियन, अब पहचानते हैं लोग कि इज़ अ इंडियन, और पहले कहते हैं मोदी, तो मोदी की वजह से हमारी पहचान बनी है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? बच्चा है राहुल गांधी, अभी उसको सीखना चाहिए, अभी थोड़ी क्लास लेनी पड़ेगी उसको हमारे जैसे लोगों से। अच्छा, एंड में आप क्या कहना चाहेंगे, नमो या रागा? नमो, नमो सर, नमो मोदी, विक्ट्री फॉर मोदी। जानने से देश की अर्थव्यवस्था चल जाएगी है? जानने से देश की अर्थव्यवस्था चल जाएगी। देखो, जानने से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता को सर्वोपरि माना जाता है, जो जिस व्यक्ति को सामे और शाह में अंतर ही नहीं पता, समाजवादी पार्टी को शाह, रालोद को रा, और बहुजन समाज पार्टी को बा,
शराब जिसको शाह का अर्थ नहीं पता, उसको हम दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे प्रधानमंत्री बनने की। जिस व्यक्ति ने हमारे देश में 200 कार्यालय बनाए, किसके पैसे से? जनता के पैसे से। देखो हमारे देश में जनता जागरूक नहीं है, इसलिए जनता को गुलाम समझा जाता है। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पे सिर्फ एक काउंटर चालू था। किसके राज में चालू था? बीजेपी के राज में। बनवाया किसके राज में था? कांग्रेस के राज में। एक दिन क्या हुआ कि NH-24 पे चेकिंग चल रही थी, चुनावों की गाड़ी धड़ाधड़ जा रही थी, किसी की पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई गाड़ी को रोक दे। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब किरण बेदी ने प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकी। आज देश में देश को लूटा जा रहा है, देश को खसोटा जा रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान के नाम पर। मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। ये मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। एक ही रहने दो मेरे देश का। गांधी ने बोला कि आलू को हम सोना बना देंगे। अच्छा, मेरी सरकार आएगी। प्रधानमंत्री ने बोला 15 लाख आएंगे, आए तुम्हारे खाते में आए 15 लाख। 15 लाख ये पहले मोदी का आपने भाषण सुनना चाहिए पहले। इन्होंने ये नहीं बोला था कि 15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, वो एक जुमला था, ये भी एक जुमला है। पार्टी भैया राहुल गांधी को बनाएंगे हम तो प्रधानमंत्री, क्यों? 70 साल में देश में एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता था, लेकिन 5 साल में देश की जो जो स्थिति है वो हमने देखी है कैसी है। भैया कितनी उम्र है ये तो बता पहले। भैया मेरी उम्र में वोट डालने के लिए पहली उम्र भैया इलेक्शन तब जो ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन ने मुझे वोट डालने का अधिकार दिया है। अरे राहुल गांधी वो बोलो भैया, राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, क्या करेगा वो भैया? वो MPhil किया हुआ है इसने, आपने क्या किया हुआ है आप बताओ भैया? भैया MPhil किया हुआ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। बेशक जुमले ला रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह ने कहा मैंने अमित शाह का इंटरव्यू सुना कि पूछा रवीश कुमार जी के का, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, NDTV में तो आते नहीं है, हिम्मत नहीं है आने की, क्योंकि जो वो सवाल उनसे प्रश्न करेंगे उत्तर देने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए NDTV का बहिष्कार किया है उन लोगों ने। NDTV में जाओ हिम्मत है तो दो इंटरव्यू करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो? डरते हो क्या? प्रधानमंत्री हो देश के। अरे पत्र, जिस देश में पत्रकारिता को आज़ादी ना हो जिस सरकार में, वो गुलाम है। मतलब नहीं पूछ रहे आपसे ये सवाल, पूछ रहे नहीं, पर पूछ रहे मंत्री से पूछो ना। प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो उनसे भी सवाल पूछेंगे। क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 5 सालों में? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया प्रधानमंत्री ने? किया, अबे पूरे वर्ल्ड में घूमिया भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया प्रधानमंत्री ने? तो तुम्हें क्या मिला उससे? तुम्हें क्या मिला? हमें सब कुछ 5 साल मिलेगा। तुम्हें 70 साल में क्या मिला? रोजगार, ये सब कुछ लेगा ये भैया? आपको रोजगार मिला हुआ है भैया? UPPCS का रिजल्ट नहीं आया भैया? UPPCS का रिजल्ट नहीं आया तो उसमें प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? आप रोजगार किसकी जिम्मेदारी? UPPCS का रिजल्ट नहीं आया, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? रोजगार कौन देगा? UPPCS का रिजल्ट नहीं आया तो प्रधानमंत्री? अब ये बता दीजिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? We are the citizen of India. आपकी चॉइस क्या है? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भैया एक जागरूक व्यक्ति को हम लेकर आना चाहते हैं। कौन है जागरूक व्यक्ति? आप हैं भैया, आपने अपना वोट दिया भैया। जागरूक व्यक्ति पार्टी के लिए
ये बताओ जागरूक व्यक्ति कौन है भैया? जागरूक व्यक्ति वह है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एमफिल किया, मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो जागरूक व्यक्ति है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव राइट टू आस्क द क्वेश्चन टू द पावर। तो पूछिए ना, चिल्ला क्यों रहे हैं? और पूछेंगे ना तो चिल्ला के रोजगार क्यों नहीं मिला? तो रोजगार मीडिया वाले देंगे रोजगार, प्रधानमंत्री देगा ना, प्रधानमंत्री की सरकार रोजगार देगी ना। ये बात आपने मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछा? कितना पढ़ा मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछा? मनमोहन सिंह ने रोजगार दिया है भैया, अनपढ़ से लेके ग्रेजुएट को रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप घर में बैठे रहिए, रोजगार सरकार देगी। आप घर में हाथ मलिए, रोजगार सरकार देगी। आपका क्या कहना है? तुम नरेंद्र मोदी सपोर्ट कर रहे हो? मोदी, रुक जाओ, आपका क्या कहना है? मैम, हमें तो बहुत खुशी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और दोबारा आ रहे हैं और तिवारा भी आएंगे और चार बार पांच बार उनको तो पूरे जैसा अभी पूरे देश में कोई भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मोदी को ही आना चाहिए। राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं है। अगर मोदी जी आए तो हिंदू धर्म बच सकता है, वरना हिंदू धर्म नहीं बच सकता। 70 सालों में क्या खतरे में? नहीं नहीं, मोदी के खतरे में था। हिंदू धर्म भारत भारत, देखो हिंदू धर्म को ना तो कल कोई खतरा था, ना आज कोई खतरा है, ना आने वाले समय में कोई खतरा होगा। बुलावे मत रहिए, इस बुलावे मत रहिए। श्रीलंका में ईसाइयों को कोई खतरा नहीं था कल तक, जो है जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो खतरा पता चला। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो तब खतरा पता चलेगा? कि आपका नाम क्या है? स्वदीप एस्टोमा। और आपने इस साल किसको वोट दिया? मैं बीजेपी को दिया है। किस बेसिस पे? मैं ओनली डेवलपमेंट एंड मतलब जो स्ट्रेटजी है, जो डिफेंस स्ट्रेटजी है बीजेपी की, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कंट्री के उसमें रिगार्डिंग। तो आपने पिछले 5 सालों में कितने चेंजेस और क्या क्या चेंजेस देखे? चेंज मतलब अंदर कंट्री में कुछ चेंज मतलब कम हुआ है, बट हाँ ग्लोबल अगर देखें हम तो काफ़ी चेंज हुआ है। ओके, ये बात तो ग्लोबली हो गई, लेकिन जो आपके एरिया की लोकेलिटी है उसमें आपने क्या चेंजेस देखे और किस बेसिस पे आपने फिर से बीजेपी को वोट दिया? देखिए, उसमें जो एरिया की जो लोकेलिटी है या जॉब वगैरह है उसमें तो कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, वही सेम है कांग्रेस वाला। बट हाँ, जो अगर हम इंटरनेशनल उस पर देखें तो उसमें काफ़ी मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो आपको इस साल क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेरे को लगता है बीजेपी का ही बनना चाहिए। मैं जिसको वोट देता हूँ उसी का बनता ही है, मैंने देखा है जनरली है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आप नरेंद्र मोदी जी को फिर से देखते हैं या फिर राहुल गांधी को भी एक बार चांस देना चाहेंगे? नहीं, राहुल गांधी को चांस जरूर देंगे, बट अभी वो शायद उनका ना अभी वो मतलब वो बेस नहीं है उतना, अभी परिपक्व नहीं है उसके लिए अभी, मतलब उनका स्टेटमेंट भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता मैम, है ना। जब भी मैं देखता हूँ, चाहे वो इंटरनली मैटर हो चाहे इंटरनेशनल मैटर हो, उनका स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मतलब बीजेपी का बलड़ा ज़्यादा भारी है? यस यस। अच्छा, तो आप लोगों से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से तो कुछ नहीं अपील करता, बट हाँ अपनी फीलिंग बता सकता हूँ कि बीजेपी प्रेजेंट टाइम में बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी की। ऐसा किस लिए? ऐसा मैं पूरे देश का माहौल देख के बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की भी थोड़ी लोकप्रियता काफ़ी कम है, ऐसा तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कांग्रेस बहुत दूर है मोदी से बहुत दूर है। मोदी की ही सरकार बनेगी और बननी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी भारत की जनता में सेंस ऑफ ह्यूमर है या देश की प्रगति देखना चाहती है तो नरेंद्र मोदी की ही सरकार बननी चाहिए। और उसके अलावा कोई नेता भी नहीं है। आप देखो ना, मैं आपसे पूछता हूँ, ये नरेंद्र मोदी के अलावा आप किसे देखना चाहते हो? कोई है ही नहीं। अच्छा, और आपको क्या लगता है? सेम यार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। किस लिए, ऐसा क्यों? जो हम 5 ईयर के अंदर इनको जो हमने मौका दिया था और जो अचीवमेंट्स देख पाए इंडिया के, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, चाहे इंडिया विद इन इंडिया हो, चाहे आउटसाइड इंडिया हो, वो दोनों की तरफ देखने से यही लगता है कि सरकार मोदी जी की बनेगी। ओके, तो आपको ये नहीं लगता कि इस बार हमें कांग्रेस को भी चांस देना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को तो बहुत चांस दिए हैं, थोड़े थोड़े दिए हैं कांग्रेस को। 5 साल से पहले 10 साल कांग्रेस को ही तो दिए थे। किसको दिए थे? कांग्रेस की सरकार थी, उसमें क्या हुआ? घोटाले। अब ये जो घोटाले हैं नहीं, उनको भी जबरदस्ती कह रहे हैं नोटबंदी घोटाला, जीएसटी घोटाला। जीएसटी से
हर आदमी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लोग कहते हैं नोटबंदी से परेशानी हुई, नहीं हुई। जीएसटी से परेशानी हुई, बिल्कुल नहीं हुई। मेरा काम बड़ा है, घटा नहीं है। मैं नेहरू पैलेस में मेरी शॉप है और गांधीनगर में भी है मेरा काम है, तो कहीं पे भी हमें कोई डाउनफॉल नहीं दिखाई दिया। अच्छा। कि जीएसटी लगने से या कोई और चीज़ से। और क्या मुद्दा है इस सरकार को, इस सरकार को यही तो घेर रहे हैं हम। मैं एक नॉर्मल नागरिक हूँ, व्यापारी हूँ, तो हमें तो कोई नहीं लगता कि नोटबंदी से कुछ हुआ है या कोई और चीज़ से हुआ है। अच्छा, और एज अ यूथ आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे और क्या क्या आपने फील किया लास्ट 5 ईयर्स में? लास्ट 5 ईयर्स में सबसे पहले तो अगर बोलें कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन का अभी टाइटल दिया गया था मोदी जी को, तो ऐसा अगर हम बात करें पिछली सरकार की, कांग्रेस और की, तो उनमें ऐसा कुछ इन्फ्लुएंशियल चीज़ नहीं थी। लेकिन आज ईच एंड एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू नो कि उनका रूटीन क्या है, फ्रॉम वेकिंग अप एट 4 AM एंड देन गोइंग फॉर द होल रूटीन। हर बंदा उनके बारे में जानना चाहता है। तो इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक लीडर जो होता है वो हमेशा इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया को एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। सेकेंड चीज, डेवलपमेंट की बात करें तो कंटिन्यूस बेसिस पे जितना साइंस ने इस वक्त डेवलप किया है, चाहे इसरो के थ्रू हो चाहे अदर फैक्टर्स के थ्रू हो, तो वो इंडिया को एक नए लेवल पे, चाहे एसेट मिसाइल्स का टेस्ट हुआ हो और भी बाकी चीज़ें जितनी भी हुई है, तो उनमें डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है। और फर्स्ट मोदी जी ऐसे थे जिन्होंने एक रिवर्ट बैक, पाकिस्तान की जैसे जो हमारे हमले हुए थे उनका रिवर्ट बैक दिया था, बाकी सब सरकार बस समझौते में लगी हुई रहती थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यूथ को बहुत आगे की तरफ लेके जाने के। अच्छा, तो आप एंड में एक स्टेटमेंट क्या बोलना चाहेंगे लोगों से? अब की बार मोदी सरकार। मैं स्मृति रावत हूँ एंड मेरे हिसाब से इवन दो दोनों लीडर्स मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पसंद, बट नरेंद्र मोदी इज़ मेरे हिसाब से बेटर देन राहुल गांधी। कैसे? ही इज़ डन सम, ही इज़ टेकन, ही हैज़ मतलब उन्होंने काम करा है लाइक 5 ईयर्स में, उन्होंने कांग्रेस की कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा काम करा है। एंड हमने देखा है जैसे कई इम्प्लीमेंट करें उन्होंने डिसीजंस, सो आई एम नॉट सेइंग कि वो बेस्ट है अभी, लेकिन जो ऑप्शंस है हमारे पास उसमें से आई थिंक मोदी वुड इज़ बेटर। ओके, तो बीजेपी ने जो भी डिसीजंस और जो भी डेवलपमेंट्स किए हैं उनका सीधा असर आप पर पड़ा है, आपको कोई बेनिफिट मिला है उससे? आई थिंक हम जिस कैटेगरी से आते हैं वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है उन लोगों के ओपिनियंस सामने आ ही नहीं पाते हैं, तो आई थिंक हम एक प्रिविलेज कैटेगरी से आते हैं जहाँ पे इन चीज़ों का हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव ऑल द, हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए, एंड दीज जो इनकी पॉलिसीज़ है उन पे हमें, उनका हम पे डायरेक्टली कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। सो आई थिंक फॉर मी प्रेफरेंस वुड बी बीजेपी। अच्छा, तो कुल मिला के आपको क्या लगता है देश में आगे क्या होगा? आगे आई थिंक इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, इलेक्शन रिजल्ट्स में आई थिंक उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगी बीजेपी को, बट आई थिंक मोदी ही आएगा प्रॉबेबली। ओके, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मोदी जी ही आएंगे, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी में आई डोंट थिंक ही हैज़ द लीडरशिप स्किल्स कंपेयर्ड टू मोदी। मोदी हैज़, आई एम नॉट, मुझे बीजेपी की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक द पॉलिसीज, बट अगर मैं मोदी और राहुल गांधी को कंपेयर कर लूँ, आई थिंक सबको पता है कि बेटर ओरेटर एंड यू नो बेटर डिसीजन मेकर कौन है, एंड आई थिंक उसके हिसाब से इट वुड बी मोदी। और आई मीन राहुल गांधी को तो आई कांट इवन सी हिम एज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। ऐसा क्यों? उनका विजन है, विजन उनका अच्छा है, कांग्रेस पिछले जितने सालों 60 सालों काम किया उनका, बहुत डेवलपमेंट कराया इन पिछले 5 सालों में, कुछ ऐसा मोदी जी ने किया नहीं जिनको हम फिर से प्रधानमंत्री बनाए, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है कुछ खास। लेकिन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग और उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है लोगों की? फ़ैन फॉलोइंग टीवी पे थोड़े, अब जनता के बीच में जाइए तो पता चलेगा, आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो वहाँ फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। आप टीवी से आप एक माहौल बना सकते हैं किसी के लिए, लेकिन वो माहौल आप जनता तक, जिनका बुनियादी सवाल है वो पूरे नहीं हुए। अच्छा। उसके लिए
उनको काम करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाए। जैसे कि जैसे हर मामले में बेरोजगारी, शिक्षा, जो भी मामले में हम लोगों ने भी उनको वोट किया था 2014 में, लेकिन वो बहुत निराश किया लोगों को। तो अब इस बार राहुल गांधी को चांस दिया? इस बार बिल्कुल राहुल गांधी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी राहुल गांधी डेवलपमेंट स्टेज पे है और नरेंद्र मोदी जी का काफी इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक पर? तीन बार सांसद रहे हैं, चौथी बार फिर वो ट्राई कर रहे हैं, वो उनको पूरा मैच्योर है। आप किसी को पप्पू बोलने से थोड़े हो जाएगा कि वो पूरा मैच्योर आदमी है वो, और वो डेवलपमेंट करके दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग पिछले 10 सालों में भी बैकग्राउंड में रही, मनरेगा जैसी परियोजना उन्होंने खुद लाई थी, उनका प्रोजेक्ट था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जरूर, लेकिन काम मेन राहुल गांधी का ही था। तो राहुल गांधी है नेक्स्ट पीएम, बनेगा वो इस बार। ओके, आप एंड में एक स्टेटमेंट बताना चाहेंगे लोगों को जिससे वो राहुल गांधी को ही वोट दें आपके हिसाब? बिल्कुल, राहुल गांधी को वोट देने का सबसे बड़ा एक रीज़न है कि उनका बैकग्राउंड, बहुत बड़ा बैकग्राउंड, उनके दादा, उनके दादी, उनके पिता ये देश में मारे गए हैं उन्होंने, और उनको लोग अगर देशद्रोह, देशभक्ति सिखाएं तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए। वो अपने आप में देशभक्त हैं और इससे बड़ा रीज़न कुछ नहीं होना चाहिए, उनका फैमिली बैकग्राउंड ही बहुत बड़ा है। ओके, तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी है, उनसे पूछते हैं तो आप इस साल कौन सी पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को वोट दे रहे हैं इस बार। किस लिए? जहाँ से हम वोट दे रहे हैं वहाँ बीजेपी ने काफ़ी काम किया है, तो हम अपने कैंडिडेट को ज़्यादा की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि जो ऊपर जो लीडर बैठे हुए हैं उन पर ध्यान देने की वजह। अगर हमारा कैंडिडेट, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमें रिप्रेजेंट करने वाला वो इंसान है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कि जैसे अगर कूड़ा का कलेक्शन देख ले तो हर मतलब रेगुलर हो रहा है मेरी लोकेलिटी में, जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ हम वोट दे रहे हैं। हम धनबाद, झारखंड, तो वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। प्लस रोड्स या फिर हर तरह सैनिटेशन, अब आप वहाँ जाइए शहर में तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है धनबाद, आप शहर में जाइए तो आपको वॉल्स पे पेंटिंग्स मिलेंगी हर तरह के, जो वहाँ के रीजनल कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट और अलग लग रही हैं पहले से। अब तक इन 5 सालों में बहुत कुछ देखने को मिला जो शायद अब तक नहीं हुआ था, और जो अब नहीं हुआ और अब देखने को मिल रहा, तो हम चाहेंगे कि और ज़्यादा कंटिन्यू और आगे भी हम और देखते रहें ये चीज़ें। और आप फ्यूचर में क्या चेंजेस चाहेंगे? अभी तो कुछ प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की चल रहे हैं, और फ्यूचर में चेंजेस चाहिए कि स्टूडेंट्स वगैरह में बेसिकली हमारे लिए जो सुविधाएं हैं वो सरकार बढ़ाए हमारे लिए। सरकार तो प्रॉपर मेजोरिटी में तो कोई नहीं आने वाली, क्या है कि जनता जान चुकी है। मोदी ने एक देश के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जो व्यू है ऑलमोस्ट देखा जाए वो नील है, प्रोग्रेस कुछ नहीं है। हाँ, एक राष्ट्रीयवाद को लेके वो वावाई लूट रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जब हमारे देश में वो पुलवामा क्या था, वो अटैक हुआ था, उसमें हमारे इतने सारे नौजवान मर गए, सरकार मोदी की थी, उसने क्या किया, जो हमारे 40 नौजवान थे वो उनके परिवार को, जब वो अपोजिशन में थे मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, उसने बोला है कि सरकार को सारी चीज़ नॉलेज होती है, सब चीज़ों की नॉलेज होती है, तो फिर उसको नॉलेज थी, अब अपोजिशन अपने सीट पे बैठ के वो नॉलेज कहाँ चली गई? वो हमारे जो नौजवान हमारे मरे हैं उसका हिसाब कौन देगा? हम सरकार से ही तो पूछेंगे ना, उन्होंने उस पर कुछ नहीं बोला, उसकी जवाबदेही सरकार की है ना, हमारी तो नहीं है, अपोजिशन वालों की इतनी है, राहुल की तो नहीं है ना, राहुल जब सीट पे है ही नहीं तो हम उससे क्यों जवाब पूछेंगे? तो आप इस बार क्या सोचते हैं कि इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसा आए जो देश के लिए भी अच्छा हो और प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा हो। अभी तो सामने कोई, मुझे तो कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं अब जो भी मेजोरिटी में आएगा उसके हिसाब से देखेंगे सोचेंगे। आप किसको वोट देंगे? मैं वोट तो मैं हमारे यहाँ दिल्ली में तो क्या है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस मिलके काम कर रही है, ठीक है, कांग्रेस तो अभी उसमें है नहीं पोजीशन पे, लेकिन बीजेपी पोजीशन पे है तो वो भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी है जो उसको काम करने नहीं दिया जा रहा, जो भी है हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, जिसको भी मेजोरिटी आए, वो पूरी खुल के काम कर सके, लेकिन पता नहीं लोग भेड़ चाल की तरह से काम करते हैं, उनका व्यू क्या रहता है, एक
जैसे एक मीडिया जैसे मीडिया को मीडिया में प्रसारित होती रहती चीज़ें, वही हम उसका एक व्यू बना लेते हैं कि भाई हमें ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना, वो ना तो कभी मीडिया में ऐसे खुल के बात करता है, ना कुछ और करता है, वो अपनी समाज सेवा के लिए काम करता है। आज की डेट में समाज सेवा तो है ही नहीं ना, बस वो अपने पैसों के लिए या अपने बलबूतों के लिए, अपनी वाहवाही के लिए आगे आते रहते हैं। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कोई भी पीएम का सूटेबल कैंडिडेट नहीं है इस टाइम? देखो राहुल गांधी तो अभी मुझे तो उसकी ऐसी, मैं उसको कैसे निगलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी उसने जब बंदा सीट पे नहीं आया, कोई उसने अभी कोई ऐसा उसको चुना ही नहीं गया, तो हम उसको निगलेक्ट कैसे कर सकते भाई, वो काम नहीं कर सकता। मतलब आप इस बार कांग्रेस को वोट दे के चांस देना चाहेंगे? मैं तो किसको वोट दूंगी, मैं तो जो हमारे सांसद एमपी का सांसद है, मैं उसको वोट दूंगी बस। कौन सी पार्टी से? मैं पार्टी तो तीनों चारों सभी खड़ी हुई है, मैं थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो एक काम किया है उसके अकॉर्डिंग मैं एमपी उन्हीं को चुनना चाहूँगी।